हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब का पार्ट, वोकैबुलरी, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन वर्ड। तो वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें, ईडियम्स, सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे अपने, और वन वर्ड को भी अपने कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। आज के जो वन वर्ड हैं वो वन वर्ड हैं किससे संबंधित स्टूडेंट्स। वन वर्ड को हम कैटेगरी वाइज इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। आज के जो वन वर्ड हैं वो साइंस या स्टडी से रिलेटेड हैं, साइंस या स्टडी। साइंस बोल दें या स्टडी बोल दें, इससे रिलेटेड ये सारे के सारे वन वर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कि आज के जो वन वर्ड हैं वो किससे रिलेटेड है। वन वर्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस और स्टडी के वन वर्ड, और सबसे पहला वन वर्ड, सबसे पहला नंबर वन, नंबर वन है द साइंस ऑफ लैंग्वेज, द साइंस ऑफ लैंग्वेज। द साइंस ऑफ लैंग्वेज किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? फिलोलॉजी, ये होती है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी जो होती है वो साइंस ऑफ लैंग्वेज होती है, और हिंदी में स्टूडेंट्स हम इसको भाषा विज्ञान कहते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान यानी कि फिलोलॉजी, और हम इसको बोलते हैं साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है स्टूडेंट्स फिलोलॉजी, साइंस ऑफ लैंग्वेज। साथ ही साथ आपको याद भी करना है, साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है फिलोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स भाषा विज्ञान। उसके बाद है साइंस ऑफ नंबर टू, दूसरा है साइंस, साथ ही साथ याद करते रहिए आप, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड, वोकल नेचुरल साउंड। ये जो होता है जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसको फोनोलॉजी कहा जाता है, उसको फिलोलॉजी, और इसको कहा जाता है फोनोलॉजी। ये एच है स्टूडेंट, फोनोलॉजी, ये होता है फोनोलॉजी। और फोनोलॉजी मींस होता है ध्वनि विज्ञान, साउंड से संबंधित है, इसलिए हम इसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो आज के वन वर्ड जो हैं वो सारे किससे रिलेटेड हैं? साइंस एंड स्टडी से रिलेटेड हैं। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं, पहला है हमारा साइंस ऑफ लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी यानी कि भाषा विज्ञान। दूसरा है हमारा साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड, जिसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी यानी कि इसको हम बोलते हैं ध्वनि विज्ञान, क्योंकि ये साउंड से रिलेटेड है कि कोई स्पेलिंग है, कोई वर्ड है, कोई लेटर है, वो किस टाइप की साउंड देता है, बोलने पर वो कैसा लगता है, उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। जैसे एस आई आर है, वर्ड है एस आई आर, अब इसमें आर से पहले वोवल है तो इस आर को नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है? सर, सर नहीं बोला जाता, इसको स बोला जाता है। तो इस एस आई आर को कैसे बोला जाएगा वो फोनोलॉजी में ही पता चलता है हमें, उसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। इसी तरह ए ई आई ओ यू और ये वोवल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, किसकी क्या ध्वनि होती है उसको जो पढ़ा जाता है जिस साइंस की ब्रांच के तहत, उसको फोनोलॉजी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आता है तीसरा, मैंने बताया ना कि साइंस या स्टडी ये दोनों से रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन आज के। तो अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। एंशियंट होता है स्टूडेंट्स प्राचीन,
एंशियंट राइटिंग्स राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड इंस्क्रिप्शंस। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स प्राचीन, जो एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन जो ग्रंथ लिखे हुए हैं या कोई बातें लिखी हुई हैं, कोई भी चीज, और जितनी भी प्राचीन कोई क्या बोलते हैं उसको शोध लिखे हुए हैं, जो है रिसर्च लिखी हुई है प्राचीन, या कोई भी बात जो प्राचीन लिखी हुई है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन भी कह सकते हैं इसको। इसे वन वर्ड के रूप में अगर हमें लिखना हो तो स्टूडेंट्स इसे पैलियोग्राफी कहा जाता है, PALEO पैलियोग्राफी, ये इसका सही आंसर होता है। और इसको हिंदी में अपने कहेंगे प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, प्राचीन चीजों का जो अध्ययन होता है उसको स्टूडेंट्स हम पैलियोग्राफी कहते हैं। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, अब हम फोर्थ नंबर पे है साइंस एंड स्टडी दैट ट्रीट्स ऑफ कॉइंस, या हम इसको ऐसे बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइंस, स्टडी ऑफ कॉइंस। जो प्राचीन सिक्के जो चलते थे उनका जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ कॉइंस। तो स्टूडेंट्स इसको नोमिस्मेटिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नोमिस्मेटिक्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है वो प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन जो सिक्के हैं उनका अध्ययन स्टडी ऑफ कॉइंस कहलाता है, अर्थात उसको नोमिस्मेटिक्स कहते हैं, और हिंदी में हम इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं, हिंदी में हम इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड है स्टडी ऑफ कॉइंस न्यूमिस्मेटिक्स। अब आता है पांचवा क्वेश्चन है द आर्ट बोल दो चाहे द स्टडी बोल दो चाहे साइंस बोल दो, स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, द आर्ट ऑफ, द आर्ट ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग वर्ड करेक्टली, यानी कि आर्ट माने होती है कला, शब्दों की जो स्पेलिंग है उसको सही लिखने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है। स्टूडेंट्स उसको हम हिंदी में कहें तो व्याकरण का वर्ण विचार वाला जो ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोग्राफी। क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है व्याकरण का वर्ण विचार करना, व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित ज्ञान, समझ जाइएगा यहाँ। तो देखिए पांच हमने पढ़े हैं अभी यहाँ पर, पहला हमने पढ़ा है साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान। दूसरा है हमारे पास वर्ड कि साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड, इसको हम स्टूडेंट बोलेंगे फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, जो कि कोई भी वर्ड है चाहे वो कोई लेटर है चाहे वो कोई स्पेलिंग है उसका जो साउंड होता है उसको बोलते समय वो क्या होता है उसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। फिर आता है स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शंस, जो प्राचीन चीजें हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो पैलियोग्राफी के तहत किया जाता है। और स्टडी ऑफ कॉइंस, स्टडी ऑफ कॉइंस क्या है, जो प्राचीन सिक्के हैं प्राचीन जो मुद्राएं चलती थी उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको स्टूडेंट्स न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर हम कहते हैं द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली, तो इसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है, व्याकरण से संबंधित होता है। और नंबर सिक्स की बात करते हैं अब अपने,
नंबर सिक्स की बात करें तो यहां पर आता है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। क्राइम होता है अपराध और क्रिमिनल होता है अपराधी। तो अपराध या अपराधियों से संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है, अपराध विज्ञान हिंदी में, तो इसको कहा जाता है अपराध विज्ञान। और यहां पर क्या बोला जाता है, क्रिमिनोलॉजी। इसको क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, क्रिमिनोलॉजी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अपराध विज्ञान। क्या होता है ये, अपराध विज्ञान जो होता है वो क्रिमिनोलॉजी का कहलाता है। जैसे सीबीआई वाले जो होते हैं इनको ये ज्ञान होता है, जैसे बाल की खाल निकालते हैं किसी केस को सोल्व करने के लिए, क्राइम और क्रिमिनल को जानने के लिए, तो इनको क्रिमिनोलॉजी का ज्ञान होता है। सेवन नंबर पर पढ़ते हैं हम आगे स्टूडेंट्स, फिर आता है साइंस ऑफ क्लाइमेट। क्या होता है, साइंस ऑफ क्लाइमेट। साइंस ऑफ क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट आपको पता ही है स्टूडेंट्स जलवायु, साइंस ऑफ क्लाइमेट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये होता है क्लाइमेटोलॉजी। इजी है ये, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी होती है जलवायु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस ऑफ ब्लड। ब्लड आपको अपना पता ही है कि खून होता है, साइंस ऑफ ब्लड। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप जो होते हैं उसमें ब्लड का अध्ययन है कि ये कौन सा ग्रुप किसका है, ये साइंस ऑफ ब्लड के तहत पता चलता है। साइंस ऑफ ब्लड होता है स्टूडेंट, जैसे आपको पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी से संबंधित है साइंस ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। क्या होता है स्टूडेंट्स, हेमेटोलॉजी, क्योंकि रुधिर में खून में हीमोग्लोबिन होता है तो उसी से संबंधित है ये हेमेटोलॉजी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में रुधिर विज्ञान, क्योंकि खून को रुधिर कहते हैं, तो रुधिर विज्ञान जो होता है ये होता है हेमेटोलॉजी। HEMATOLOGY। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक बार फिर अपने एक रीडिंग लगा लेते हैं आज ही, साथ ही साथ आपको याद करना है इसको। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड होता है फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन होता है पेलियोग्राफी, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना। और स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं इसको। आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली, इसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। व्याकरण से संबंधित ज्ञान। और फिर आता है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, इसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान। और फिर आता है साइंस ऑफ क्लाइमेट, इसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है जलवायु विज्ञान। और फिर आता है साइंस ऑफ ब्लड, जिसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है रुधिर विज्ञान, ये खून से संबंधित जो है होता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जैसे वोकैब का पार्ट शुरू किया है, तो हमने सबसे पहले वन वर्ड स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे वन वर्ड हम पढ़ेंगे, फिर उसी टाइप से सिनोनिम, फिर उसी टाइप से एंटोनिम्स, फिर इडियम्स पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी कंपटीशन देते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो वोकैब के पार्ट में होते हैं गलत। तो अगर अपने ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे तो वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स, तो हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। चले कुछ और वन वर्ड की बात करते हैं।
चलिए आगे कुछ और वन वर्ड पढ़ते हैं, पर मैं आपको फिर कह दूं कि आपको साथ ही साथ इनको याद भी करते चले जाना है। आज ही जितने भी वन वर्ड होंगे आज हाथों हाथ इनको आपको याद भी करना है। चलिए आगे अब अपने बात करते हैं कि साइंस, पीछे हमने कहां तक याद कर लिया, 8 नंबर, अब आता है 9। 9 नंबर पर हम याद करते हैं, लिखते हैं कि साइंस डीलिंग विद, साइंस डीलिंग विद, डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, टर्म्स का सही यूज करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होता है हिंदी में स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं शब्दावली विज्ञान। हिंदी में भी लिख लेते हैं अपने, इसको हम बोलते हैं शब्दावली विज्ञान। शब्दावली विज्ञान जो होता है वो टर्मिनोलॉजी कहलाता है, शब्दावली विज्ञान। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं अगले वन वर्ड की। अगला 10 नंबर जो वन वर्ड है हमारे पास वो क्या है, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। अगला वर्ड है साइंस डीलिंग डीलिंग विथ हेरिडिटी, साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी। और हेरिडिटी हमें पता क्या होती है, अनुवंशिकता। साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी कहलाता है स्टूडेंट्स जेनेटिक्स। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है उसको हम कहते हैं साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी। तो यहां पर जेनेटिक्स का अर्थ क्या होता है, आनुवंशिक विज्ञान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान जो होता है वो जेनेटिक्स कहलाता है, यानी कि साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी कहलाता है। तो ऊपर जो 9th था वो क्या था, साइंस डीलिंग विद प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, तो इसको टर्मिनोलॉजी कहा जाएगा, शब्दावली विज्ञान कहा जाएगा। 10 नंबर पे हमने देखा साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, तो ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक विज्ञान। चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है। 11 नंबर पर हम जब पहुंचते हैं तो हमारे पास वर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, या फिर सीधा आप ऐसे भी बोल सकते हो साइंस ऑफ मेटल्स। मेटल होती हैं धातु, तो धातु से संबंधित जो विज्ञान है, धातुओं से संबंधित जो विज्ञान है उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इसको मेटलर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मेटलर्जी। इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें स्पेलिंग होती है मेटल्स से रिलेटेड है, इसलिए एम ई टी ए डबल L U R G Y, मेटलर्जी, ये इसकी स्पेलिंग है। मेटलर्जी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल धातु होता है तो हम इसको बोलते हैं धातु क्रम विज्ञान। ये क्या होगा, धातु क्रम विज्ञान। धातु क्रम विज्ञान जो होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं 12 नंबर की। अब हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ। साइंस एंड फिलोसफी, फिलोसफी क्या होता है, दर्शन शास्त्र होता है। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ, फिलोसफी ऑफ
ह्यूमन ला, ला अपने को पता है क्या होता है, कानून। तो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र। क्या कहा जाता है, विधि शास्त्र, विधि कानून को कहा जाता है और इसीलिए इसको बोलते हैं विधि शास्त्र। तो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ क्या कहलाता है, ज्यूरिसप्रूडेंस कहलाता है। फिर देखिए अगला वर्ड, अगला वर्ड है हमारे पास ज्यूरिसप्रूडेंस के बाद कि साइंस एंड आर्ट ऑफ, साइंस एंड आर्ट, विज्ञान या कला, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड। कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा भोजन बनाने की जो कला है, साइंस हो या आर्ट बोलते हैं उसको, अच्छा भोजन बनाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड। इसको स्टूडेंट्स कहा, वैसे हिंदी में तो इसको कहा जाता है आहार विज्ञान, और यहाँ पर वन वर्ड बनेगा इसका गैस्ट्रोनॉमी। क्या वर्ड बनेगा, गैस्ट्रोनॉमी, 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 जिसको हम हिंदी में कहते हैं आहार विज्ञान। क्या होता है, आहार विज्ञान, आहार विज्ञान जो होता है वो गैस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड क्या कहलाएगा, गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि आहार विज्ञान। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अब हम पहुंचते हैं कि साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट उड़ाने से संबंधित जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसको एविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एविएशन, एविएशन जो होता है वो विमान से संबंधित होता है, इसलिए एविएशन को कहा जाता है विमानन विज्ञान, विमानन भी कहते हैं हम इसको, या विमान विज्ञान भी कहते हैं। साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, सॉरी यहाँ लिखा नहीं हमने, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इसको एविएशन यानी कि विमानन भी कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड पर पहुंचते हैं, अगला 15 वर्ड हमारे पास है इस साइंस ऑफ वेट, साइंस, साइंस ऑफ वेट, वेट मतलब भार, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, साइंस ऑफ वेट, वेट से संबंधित जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो होता है इसको हम माप विज्ञान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, माप विज्ञान, क्योंकि ये वेट से संबंधित होता है तो इसको हम माप विज्ञान कहते हैं। नंबर 16, नंबर 16 की बात करें तो साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि समय से रिलेटेड है अर्थात समय विज्ञान कहलाता है। साइंस ऑफ टाइम ये होता है स्टूडेंट्स होरोलॉजी,
इसको हम बोलते हैं होरोलॉजी। होरोलॉजी जो होता है इसको हम समय विज्ञान कहते हैं। समय, ग्रह नक्षत्रों का जो पता लगाते हैं ज्योतिषी, उसको हम कहते हैं होरोलॉजी, समय विज्ञान। समय विज्ञान ये इस होरोलॉजी के तहत आता है। 17 नंबर पर एक और वर्ड देख लेते हैं हम। अगला वर्ड क्या है? साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंप्लीट डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं इसको, खास नहीं है ये। साइंस ऑफ एनवायरनमेंट देख लीजिए आप, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एनवायरनमेंट से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है इकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम इसको? इकोलॉजी, ECOLOGY। इकोलॉजी जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी बोलते हैं या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं इकोलॉजी। तो देखिए यहां पर 9 नंबर पे हमने पढ़ा साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स जो होता है वो टर्मिनोलॉजी होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली विज्ञान। फिर हमारा अगला वर्ड है साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, हेरिडिटी से संबंधित जो ज्ञान है वो जेनेटिक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। फिर हम बात करें 11 नंबर की, तो यहां पर है साइंस ऑफ मेटल्स। मेटल से संबंधित है, धातु से संबंधित है, इसलिए हम इसको मेटलर्जी कहते हैं, धातु क्रम विज्ञान कहते हैं। फिर आता है हमारा 12 नंबर पर वर्ड साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ, लॉ मतलब विधि होता है, कानून होता है, तो ये होता है ज्यूरिसप्रूडेंस, विधि शास्त्र। फिर 13 नंबर पे हमारा वर्ड आता है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और मेकिंग गुड फूड। अच्छा भोजन बनाने की जो कला होती है वो गैस्ट्रोनॉमी होती है, वो आहार विज्ञान के तहत आता है। जब आप होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करते हैं और शेफ का कोई कोर्स करते हैं तो आपको गैस्ट्रोनॉमी का ही अध्ययन कराया जाता है। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टूडेंट्स एविएशन कहा जाता है, उसको हम विमानन विज्ञान भी कहते हैं। उसको हम विज्ञान, कौन सा विज्ञान कहते हैं? विमानन विज्ञान भी कहते हैं या विमान विज्ञान भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। फिर अगला वर्ड है हमारा 15 साइंस ऑफ वेट। वेट मतलब भार। भार से संबंधित जो ज्ञान है उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, अर्थात माप विज्ञान कहा जाता है। फिर हम पहुंचते हैं साइंस ऑफ टाइम पर। साइंस ऑफ टाइम जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है होरोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं समय विज्ञान। फिर हम 17 नंबर पर पहुंचते हैं साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से संबंधित जो ज्ञान होता है वो इकोलॉजी कहलाता है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, और इकोलॉजी का अर्थ होता है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे कुछ और वन वर्ड्स की बात कर लेते हैं अपने। फिर उसके बाद आता है, पीछे हमने कहां तक याद कर लिया? 17, 18। अब हम बात करते हैं 18th नंबर की। 18th नंबर पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स। स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स, यानी कि ये कह रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन। संपूर्ण ब्रह्मांड जो यूनिवर्स होता है उसको कॉस्मोस कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो उसी से रिलेटेड है ये, क्या होता है? कॉस्मोग्राफी। इसको क्या कहा जाएगा? कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी जो होता है वो संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है अध्ययन जो होता है वो कॉस्मोग्राफी कहलाता है। तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? विश्व रचना विज्ञान। हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व रचना विज्ञान हिंदी में इसको कहा जाता है, विश्व रचना
विज्ञान। विश्व रचना विज्ञान जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है, कॉस्मोग्राफी, क्योंकि कॉस्मोस जो होता है वो ब्रह्मांड को कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 19th नंबर पर हम पहुंचते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है, हमारा अगला वर्ड है साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिजीज, बीमारियों के कारण का जो विज्ञान है, कॉज होता है कारण, डिजीज होती है बीमारी, बीमारी के कारण का विज्ञान जो होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में तो कहा जाता है रोग कारण विज्ञान, इसको एटियोलॉजी कहा जाता है, एक तो ई टी आई ओ एटियोलॉजी, एक तो ये कहा जाता है इसको, एक वर्ड और भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स एटियोलॉजी के अलावा, एटियोलॉजी भी कहा जाता है इस तरह से ए ई टी आई ओ एल ओ जी वाई, ये दोनों स्पेलिंग इसके लिए प्रयुक्त की जाती हैं, एटियोलॉजी या एटियोलॉजी, इसको बोलते हैं रोग कारण विज्ञान, रोग कारण विज्ञान ये इसको हम कह सकते हैं, और रोग कारण विज्ञान जो होता है एटियोलॉजी या एटियोलॉजी कहलाता है, ये दोनों स्पेलिंग हो सकती हैं याद रखना। फिर हम पहुंचते हैं स्टूडेंट्स 20 नंबर पर, अब हमारे पास अगला वर्ड है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, साइंस ऑफ मैकेनिकल एन 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 है ये, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इंडस्ट्रियल आर्ट्स ये उद्योगों से संबंधित है, इसको इस विज्ञान को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिल्प विज्ञान, इसको क्या बोला जाता है शिल्प विज्ञान जो होती है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 21 नंबर पर हम पहुंचते हैं, तो हमारे पास अगला वर्ड है साइंस ऑफ मैनकाइंड, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, एज एन एनिमल, मानवता का अध्ययन करना पशु के समान, पशु के समान उसका अध्ययन जो करना है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी, ये जूलॉजी की एक ब्रांच होती है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है यहाँ पर इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव शास्त्र, यानी कि मानव का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, मानव की पूरी बॉडी का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के तहत किया जाता है, जो स्टूडेंट्स नीट करने के लिए बायोलॉजी लेते हैं तो आगे जाकर इसको इनका एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन कराया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव के संपूर्ण शरीर का अध्ययन किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ये विज्ञान की एक ब्रांच कहलाती है। 22 की बात करें स्टूडेंट्स, तो अब आता है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी जो होता है जिसको हम सौंदर्य विज्ञान भी कहते हैं, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कैलोलॉजी, क्या बोलते हैं कैलोलॉजी, कैलोलॉजी
बोलते हैं हम इसकी इसकी एक तो स्पेलिंग ये होती है के ए एल ओ एल ओ जी वाई, और इसकी एक स्पेलिंग सी से भी होती है, सी ए एल ओ एल ओ जी वाई। ये दोनों स्पेलिंग है, जैसे ऊपर आया था यहाँ पर, ये दो स्पेलिंग है रोकरण विज्ञान की, वैसे ही सुंदरता विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान जिसको बोलते हैं हम, इसकी भी दो स्पेलिंग है, इनको अपने को देखना है। और ये होता है सौंदर्य विज्ञान, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सौंदर्य विज्ञान, ठीक है। तो साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कैलोलॉजी कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 23rd नंबर पे, साइंस ऑफ द फिक्सिंग डेट्स, साइंस साइंस ऑफ द फिक्सिंग फिक्सिंग डेट्स, साइंस ऑफ द फिक्सिंग डेट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, साइंस ऑफ द फिक्सिंग डेट्स होता है क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक बुक भी आती है करंट जीके की, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो होती है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं काल क्रम विज्ञान। हिंदी में क्या कहलाता है, काल क्रम विज्ञान। काल क्रम विज्ञान जो होता है जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, ये फिक्सिंग डेट्स जो इतिहास की कुछ घटनाएं होती हैं, ईयर बाय ईयर उसको लिखना जो होता है, जैसे किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, इसका जो पूरा विवरण होता है ना, उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 24 की, 24 में आता है स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ये कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी जो होता है। इसको हम हिंदी में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको कीट विज्ञान कहते हैं। हिंदी में ये क्या कहलाता है, हिंदी में हम इसको कीट विज्ञान कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 25 नंबर पर, 25 जो है वो है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग वाटर लिविंग मैटर। क्या बोलेंगे इसको, स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ होता है वैसे, द स्टडी ऑफ Study of physical life, F है ये F, physical life of living matter, इसको क्या कहा जाता है students? फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है फिजियोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, PHYSIO फिजियोलॉजी। हिंदी में स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है शरीर विज्ञान, हिंदी में ये होता है शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर पे जो हमारा वर्ड है वो स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, और यूनिवर्स स्टूडेंट्स संपूर्ण जो ब्रह्मांड होता है उसको हम इंग्लिश में कॉस्मोस बोलते हैं, और कॉस्मोस बोलते हैं इसलिए इसको हम कॉस्मोग्राफी कहेंगे। और फिर अगला वर्ड है हमारा साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, बीमारियों का कारण का जो अध्ययन होता है उसको एटियोलॉजी या एटियोलॉजी कहते हैं, रोग कारण विज्ञान भी कहते हैं हम इसको। फिर आता है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इसको स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, शिल्प विज्ञान कहते हैं इसको। फिर अगला वर्ड है हमारा साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एनिमल, इसको मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इसके तहत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है एज ए एनिमल मानकर, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है इसको।
और फिर आता है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, इसको कैलोलॉजी कहा जाता है, सौंदर्य विज्ञान। फिर हमारे पास 23rd वर्ड आता है साइंस ऑफ द फिक्सिंग डेट्स, फिक्सिंग डेट्स यानी कि कालक्रम विज्ञान, इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध जब हम करते हैं किसी भी एक व्यक्ति के संबंध में, किसी भी एक देश के संबंध में, तो वो क्रोनोलॉजी होती है। फिर आता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहलाता है। फिर आता है स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, अर्थात शरीर विज्ञान कहते हैं। तो स्टूडेंट 25 वर्ड हो गए हैं हमारे वन वर्ड, ये 25 वर्ड आप डेली याद करें, और जैसे ये वन वर्ड कंप्लीट होगा फिर हम सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स की भी बात करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, आज का जो हमारे हेडिंग है वो है साइंस एंड स्टडी, हम जो वन वर्ड पढ़ रहे हैं वो साइंस एंड स्टडी से ही पढ़ रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, हम जितने भी यहाँ पर वन वर्ड पढ़ेंगे उनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करने से हमें बाद में याद नहीं होता है। तो हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे ना, तो एक हेडिंग बना के पढ़ेंगे तो हमें ये सारे वन वर्ड याद हो जाएंगे। तो हमारे आज की हेडिंग है साइंस और स्टडी से रिलेटेड। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड क्या कहलाता है, फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, पेलियोग्राफी, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफी, व्याकरण से संबंधित ज्ञान। साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स कहलाता है, क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान। साइंस ऑफ क्लाइमेट कहलाता है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। साइंस ऑफ ब्लड होता है, हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, इसको टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, शब्दावली विज्ञान। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स, अनुवंशिकी विज्ञान। और साइंस ऑफ मेटल्स क्या कहलाता है, मेटलर्जी, धातुक्रम विज्ञान। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ क्या कहलाता है, जुरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोनॉमी, आहार विज्ञान। और साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, विमानन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं एविएशन। साइंस ऑफ वेट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी, अर्थात माप विज्ञान। साइंस ऑफ टाइम होता है होरोलॉजी, यानी कि समय विज्ञान। साइंस ऑफ इन्वायरमेंट होता है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान। फिर हमने यहाँ पर कुछ और वर्ड पढ़े, स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, कॉस्मोग्राफी होता है, विश्व रचना विज्ञान। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज, एटियोलॉजी कहलाता है, रोग कारण विज्ञान। साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एनिमल, एंथ्रोपोलॉजी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कैलोलॉजी। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट, क्रोनोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है एंटोमोलॉजी। और स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर कहलाता है फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो वन वर्ड पढ़े हैं वो स्टडी एंड साइंस से रिलेटेड हैं, और हमने यहाँ पर कितने वन वर्ड पढ़े हैं, 25। अगली क्लास में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, अभी वन वर्ड चलेगा, कुछ दिन और चलेगा वन वर्ड, फिर हम सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वन वर्ड जो आपने पहले कुछ और पढ़ रखा है, तो आपने अगर ऐसा कुछ हो रखा है, आपको कोई डाउट हो, तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।